कोल माइंस पकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना के बैनर तले एनटीपीसी सीकरी साइट कार्यालय प्रशिक्षण मैदान में 15 दिवसीय शीतकालीन एकलव्य तीरंदाजी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शुभारंभ कोल माइंस पकरी बरवाडी के सीजीएम शिवम श्रीवास्तव ने तीरंदाजी कर एवं खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। शिविर में कुल 30 बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि बड़का गांव कई में कई प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। एनटीपीसी का मकसद है कि वह आगे बेहतर प्रदर्शन कर देश स्तर पर अपने गाँव का नाम रोशन कर सके। प्रतिभागियों की खेलने को निखारने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण में 10 बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल का प्रदर्शन कर सकते हैं। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित लोगों में पकरी बरवाडी सीजीएम शिवम श्रीवास्तव, जागृति महिला संघ के अध्यक्ष मीनाक्षी श्रीवास्तव, बादम कोल माइंस के महाप्रबंधक के चंद्रशेखर, एजीएम अमित अस्थाना, डीजीएम मृत्युंजय वर्मा, नीरज कुमार, देवराज आनंद, मोहित कुमार, कमला राम रजक, आर्चरी एसोसिएशन हजारीबाग के अध्यक्ष आलोक कुमार, सचिव मनोज कुमार, प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह, विनोद कुमार, बड़का गांव प्लस टू हाई स्कूल के अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह, बड़का गांव पश्चिम पंचायत मुखिया रंजीत कुमार भीकन महतो, देवेंद्र कुमार, रवि नाग के अलावा कई लोग उपस्थित थे। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।